सेक्स करने के समय एक स्त्री के शरीर में या मन में क्या बदल होते हैं, उसके बारे में आज मैं बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फीमेल ऑर्गेजम जो है एक संपूर्ण विषय है कि स्त्री को अत्युच्च आनंद की एक लहर आना सेक्स में, तो उसको बोलते ऑर्गेजम या क्लाइमैक्स, और वो यदि आना है तो उसके लिए क्या किया जाए। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई चार फेजेस होते हैं सेक्सुअल साइकिल के। नंबर एक है डिज़ायर, मतलब इच्छा होना, या उसको बोलते हैं लिबिडो। तो फर्स्ट स्टेज इज लिबिडो या डिज़ायर या इच्छा। नंबर दो एक्साइटमेंट या अराउजल, उत्तेजित हो जाना। तीसरी फेज जो है वो है ऑर्गेजम या क्लाइमैक्स, अति उच्चतम अवस्था है आनंद की, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, जो अनुभव किया जा। और नंबर चार है रिजोल्यूशन, रिजॉल्व होना, सब कुछ शांत हो जाना। तो ये जो है ये चार स्टेजेस एक के पीछे एक आते हैं। इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है, धीरे 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 बढ़ते जाता है, पहले स्टेज से लेकर आखिरी तक वो बढ़ते जाता है। हार्ट रेट बढ़ेगा, श्वास बढ़ेगा, दम लगता है, पूरे बदन में गर्म हवा चलेगी या गर्म लगेगा स्पर्श। क्लिटोरिस जो रहता है यूनिलिंग, वो फूलता है, बड़ा हो जाता है, यह पहले स्टेज से लेकर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ब्रेस्ट जो है वो बड़ा होता है, फूल जाता है, निपल बड़ी हो जाती है। वजाइना जो है वो लंबा हो जाता है थोड़ा सा, और थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि उसको पेनिस को अकोमोडेट करना है। और एक्साइटमेंट में वजाइना में पानी छूटता है, चिकनापन आता है, और बहुत ज़्यादा ये स्टेज अति उच्चतम अवस्था जो आती है क्लाइमैक्स की, कि जब अति उच्चतम अवस्था मतलब ऐसा है कि उसमें सेक्स टेंशन जो है वो पूरा शांत हो जाता है, एकदम रिलैक्स हाँ एक्सपीरियंस और एक डाउन हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा मज़े वाली आनंद वाली स्टेज आ जाती है। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे सब स्लो हो जाता है, हार्ट स्लो हो जाएगा, श्वास स्लो हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगा, जो पेल्विक मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट हुए रहती है, वो भी ढीला हो जाएगा। तो फिर क्लाइटोरिस अपने जगह पे नॉर्मल आ जाएगा, वजाइना नॉर्मल आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो ऑर्गेजम है, ये ऑर्गेजम की अवस्था 0 सेकंड से 60 सेकंड तक, मतलब किसी को आता ही नहीं है, या किसी को ये 60 सेकंड तक ऑर्गेजम आ सकता है, बहुत ज़्यादा हो गया है। इधर ही 5-10 सेकंड 15 सेकंड की अवस्था रहती है। स्टडीज में ये पाया गया है कि ऑस्ट्रेलियन वीमेन जो थी, ऑस्ट्रेलिया की महिलाएं, उनको 20 साल से 64 साल तक के एज के जो महिलाएं थी उनको स्टडी किया गया। उन्हें बताया कि 21% 21% महिलाओं ने बोला कि हमको क्लाइमैक्स आता ही नहीं, ऑर्गेजम हो ही नहीं, कोई मजा आया ही नहीं। उसमें से 80% महिलाओं ने ये बोला कि सिर्फ योनि में लिंग डालकर और सेक्स करके उनको मजा आई नहीं, क्लाइटोरल स्टिमुलेशन की जरूरत पड़ी। मतलब 80% महिलाओं को क्लाइटोरल स्टिमुलेशन होना जरूरी है उनको मजा आने के लिए, ऑर्गेजम आने के लिए। 77% महिलाओं ने यह कहा कि एक ही सिटिंग में उनको 2-4 बार ऑर्गेजम आ जाते हैं, 2-4 बार वो एंजॉय कर सकती है। एक बार ऑर्गेजम आया, शांत हो गए, फिर खेलते रहे, फिर और एक्साइटमेंट आती है, फिर शांत हो जाता है, फिर 2-4 बार भी आती है स्टेज वो ऑर्गेजम की, ऐसा कुछ महिलाओं ने बोला। उनका प्रमाण था 77%। 50% महिलाओं ने बोला कि भाई वो वाइब्रेटर का इस्तेमाल करती है ऑर्गेजम आने के लिए। वाइब्रेटर मतलब सेक्स एड है कि जो वाइब्रेट करता है उसमें उनको मजा आती है, उसमें क्लाइटोरल स्टिमुलेशन होती है, वजाइनल स्टिमुलेशन होती है, तो उसमें उनको मजा आती है, ऐसा उन्होंने बोला। तो ऑर्गेजम ये एक अति उच्च समाधान की आनंद की अवस्था है, उसमें अलग अलग फेजेस है। और फिर समझो वो औरत कोई एंजॉय कर ही नहीं रही है, तो फिर कुछ दवाइयाँ जो है वो काम कर सकती है। उसमें फ्लिबेंसरिन या ब्री मेलानोटाइड, ये दो दवाई FDA अप्रूव्ड है, और ये दवाई लेते हैं तो उनको इच्छा हो जाएगी। अभी ये इजीली अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि बुप्रोपियन ये जो दवाई है वो देते हैं, मोडानाफिल जो दवाई आती है वो देते हैं, या फिर एसिडालोपराम देते हैं, ऐसे कुछ कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों ने कुछ स्टडीज़ में सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल का भी इस्तेमाल किया और उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले। जिनको विलोमा जैसी दवाइयाँ जो है
जिनसेंग जिनको भी लोग, वो दवाई देने से भी फायदा होता है। बहुत लोगों का रहता है कि वो नहीं बोलती है वाइफ, सेक्स के लिए नहीं बोलती है, पटाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। वो क्यों? क्योंकि उसको ऑर्गेज्म कभी आया नहीं, या उसने कभी एंजॉय किया नहीं, या उसको बहुत सूखापन है नीचे, इसलिए वो अंदर जाने के लिए तकलीफ होती है, दर्द होता है, फिर वो नहीं बोलती है। तो ऑर्गेज्म यदि आता है, वो एक्साइट होती है, उसको मजा आता है, तो फिर नहीं क्यों बोलेगी? तो यह पुरुष का कर्तव्य है कि भी उसको ऑर्गेज्म आना चाहिए, ताकि वो सेक्स के लिए कभी ना बोलेंगे नहीं। हाँ, कोई शारीरिक बीमारी है उसकी वजह से ना बोलती तो बात अलग है, कोई दवाइयाँ चालू है उसकी वजह से ना बोलती है, इच्छा नहीं तो बात अलग है, अदरवाइज स्त्री ने ना बोलने का कोई कारण नहीं है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।